6-7 लाख रुपए प्रति एकड़ के इसमें सरकार देती है लोन। सर्दियों में इसकी बिक्री ज्यादा होती है। अच्छा जी, उसको फोन करते हैं हमारा माल तैयार है, वो आ जाते हैं अपना ले जाते हैं। सरकार में 3-4 ब्रीड आती है। अच्छा, जैसे कि रहू हो गया, कतला हो गया, गोल्डन, यही 100-200 रुपए किलो चला जाता है जो मैंने डालर रखा है। 6-7 हजार प्रति मंथ खर्चा हो जाता है। साथियों, आज मैं राहुल राणा रघुवंशी के मछली पालन फार्म पर, और आज मैं आपको मछली पालन के बारे में बताऊंगा कि आप 1 एकड़ में इसमें कितनी लागत होगी और बीज की कौन कौन सी वैरायटी हैं, और आपको ये कितने दिन के बाद आपको इसकी जो है फसल ये एक तौर पे लगा ले कि वो आपको ब्रीड कितने दिन में प्राप्त हो जाता है, और आपको सेलिंग कैसे होती है इसकी, और कितना प्रॉफिट है 1 साल के अंदर, वो पूरी बात मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। मेरे साथ हैं राहुल राणा रघुवंशी, और आज इनसे बात करेंगे कि ये फार्म इन्होंने कैसे स्टार्ट किया। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई। भाई जी, ये जो आपने पीछे फार्म बनाया अपना, ये कितना एरिया है इसका? इसका जी ये 1 किला है, ये एक एकड़ में है। तो एक इसकी जो आपने लागत आई है बनाने की, वो कितनी है जी? जी इसके लागत तो बस ये है कि जैसे कि अब इसका खड्डा खुदवाया था पहले, इसमें जैसे कि अब लगभग 5 फुट डूंगा खुदवाया था ये जी, कि 5 फुट तो, क्योंकि मच्छी को ना जो मछली होती है उसको 4 फुट पानी चाहिए होता है, ये ऑक्सीजन बनी जाती है। ऑक्सीजन का थोड़ा उसमें चक्कर पड़ता है, तो 4 फुट पानी में मच्छी होती है, 3 फुट पानी में मच्छी नहीं होती, 4 फुट से ज़्यादा हो तो चल जाए। अब जैसे कि आप कह रहे थे कि इसका खर्चा कितना है, जैसे कि अब इसका मिट्टी ठुवाई थी बस और दांगे बंधवाई थी, तो लगभग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख रुपये का हमारा खर्च में आ गया था। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट वगैरह सब्सिडी भी दे रही है इसकी? हाँ, जैसे अपना ये अपना फार्म है ये पर्सनल जी, ठीक है। एक होता है जो गांव का जोड़ होता है। हाँ जी, हाँ जी, उस पर तो उसको तो चलो मेरे को नॉलेज नहीं, वो थोड़ा पंचायती सिस्टम में चला जाता है। 6-7 लाख रुपए प्रति एकड़ के इसमें सरकार देती है लोन, लेकिन मैंने लोन लिया नहीं था, थोड़ा उसका उसको कुछ सब्सिडी मिलती है जी, चाहे जर्नल को 25% सब्सिडी मिलती है, थोड़ा ऐसे ही 80 को थोड़ा एक्स्ट्रा मिलती है। हाँ, तो मतलब लोन मिलता है 5-6 लाख रुपये आसानी से मिल जाता है इसका लोन। तो आपने इसमें 1 एकड़ में बीज कितना डाला था? देखिए, जैसे कि अब उसमें 100 ग्राम का बच्चा गिरा था मैंने इसमें। अच्छा जी, ठीक है। तो हमने वो लगभग 50,000 रुपये का, वो इसमें 50,000 रुपये का बच्चा गिरा था। जो वैरायटी थी वो थी चिलकारा। चिलकारा में 3-4 ब्रीड आती है। अच्छा जी। जैसे कि रहू हो गया, कतला हो गया, गोल्डन और एक बी ग्रेड, ये इसकी चिलकारा के चिलकारा की ब्रीड होती है। तो और भी वैरायटी है इसके अंदर या फिर बस यही है? हमने इसमें 4 चिलकारा के 4 ब्रीड गिरे हुए। अच्छा जी, उससे अलग भी है कोई वैरायटी? ना, उससे अलग कोई नहीं है। अच्छा जी, फिलहाल क्योंकि लगभग ये मोस्टली ये जा चलती है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये लगाइए कि कितने दिन में जो पहला आप इसे इनसे एक तरह का ये लगा लीजिए अपनी पहली फसल प्राप्त कर लेते हैं, वो कितने दिन के बाद बना लेते हैं तैयार हो जाती है बच्चे से एक पूरी मछली कब तैयार हो जाती है? देखिए, अगर जिमी जो बंद जो मालक है जो खेत का, अगर वो अच्छे से खान पान इसके मच्छी को दे, अच्छे से भोजन दे जी जी, जैसे कि अब सरसों की खल है, सरसों की खल में जो चावल की जो ग्रीट होती है ना, जो सेलर वगैरह आसानी से बहुत सस्ते से रेट में मिल जाती है, उसको मिक्स करके ना भिगो के पानी में वो रखना पड़ता है, तो 3-4 दिन वो गिरनी पड़ती है इसमें। अगर अच्छा खान पान दे, जैसे कि अब ये इसमें हमको खाने की एक फीड होती है, फीड थोड़ा महंगी पड़ती है, हर कि किसानों को थोड़ा महंगी पड़ती है, वो उसके लिए उसको घेर नहीं सकता, तो एक अपने घर पे ही फीड बन जाती है सरसों खल को भिगे हुए, और उसमें एक ग्रीट उसकी, या फिर मक्की का आटा हो जी जी जी, उसकी चावल की जो ग्रीट होती है उससे, उसकी जगह अगर मक्की का आटा हो, अगर वो सस्ती पड़ती हो किसी भाई को कहीं से, तो वो सबसे बेस्ट है। तो ये बताइए कि 30-40 या ज़्यादा दिन लेता है तैयार होने में? लगभग जैसे कि ये पर्सनल है, इसमें अब गांव का पानी जोड़ होता है उसमें जल्दी हो जाती है। हाँ, उसमें तो कम से कम 3 या 4 महीने में तैयार हो जाती है मच्छी। अच्छा जी, मतलब 100 ग्राम से 1 किलो 1.5 किलो की हो जाती है। अब जैसे ये पर्सनल है, इसमें थोड़ा लग जाते हैं 6-7 महीने लग जाते हैं इसमें। फीड ऑफ कॉस्ट अगर हम ये लगाइए कि एक बार में फीड डालने पे आपका, जैसे 3 महीने में है, तो 3 महीने के अंदर एक बार फसल लेने पे आपको कितना खर्चा आ जाता है टोटल? खर्चा तो अब यही है कि लगभग ना, अब कुछ क्या करते हैं, खर्चा ज़्यादा कर देते हैं शुरू में ही, और मच्छी को जो भोजन पे जो पैसा है वो कम लगाते हैं, लेकिन द रियलिटी है कि 80% इसके बच्ची के हर पे पैसा लगाना पड़ता है भोजन पे।
जी 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 फीडिंग अच्छी होगी तो बच्चा का ग्रोथ भी अच्छा करेगा। लगभग ज़्यादा नहीं, अगर हम प्रति मंथ भी लगाए ना तो 6-7 हज़ार रुपये का, अगर हम जैसे मैंने घरेलू ये बताया ना आपका, सबसे बढ़िया ये फीड ही लगा लो इसको, सबसे बढ़िया फीड ही लगा लो इसको, 6-7 हज़ार रुपये प्रति मंथ खर्चा हो जाता है। अब बात करते हैं इनके रेट की, सेल की, यानी कि सेल जो सेल करने में क्या समस्या है और इसका रेट कितना का मिल जाता है एक सेल, किलो सेल की? तो ये है कि थोड़ा ना इसका, जैसे कि अब लगभग सभी लोग ना जो जितने फार्मर है वो गर्मियों में माल घेरते हैं, तो ये तो मैच्योर है कि थोड़ा गर्मियों में इसकी थोड़ा डिमांड घट जाती है लगभग, क्यों थोड़े गर्मियों में लोग मच्छी को खाना पसंद नहीं करते लगभग, सर्दियों में इसकी बिक्री ज़्यादा होती है। अच्छा, ठीक है, तो रेट इसका सर्दियों में लगभग यही 100-150 रुपये किलो चला जाता है, जो मैंने डाल रखा है चिलकारा इसमें। अच्छा जी। चिलकारा जो ब्रीड है इसके, जो 4-5 ब्रीड है चिलकारा की, ये 110 रुपये किलो प्रति किलो चला जाता है, और जो खरीदने में कोई इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, जो आगे जो लेने वाले हैं जो लोट लेते हैं मच्छी का तो वो खुद आते हैं यहाँ पे लेके। हाँ, तो वो मतलब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, या कुछ ऐसे भी होंगे जो फार्म होंगे बड़े जो आपके साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते होंगे, वो आपका माल सीधा यहीं से उठाते होंगे। हाँ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते ऐसे, उनके साथ बात हो जाती है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो ऐसा कुछ सीन नहीं होता, मतलब रिटर्न में कुछ नहीं है ऐसा? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसको फ़ोन करते हैं हमारा माल तैयार है, वो आ जाते हैं अपना ले जाते हैं। भाई राहुल, कि इसमें समस्या क्या है, जैसे गैस वगैरह पानी के अंदर? हाँ, उसकी समस्या तो लगभग बस इसमें, वैसे तो मोस्टली कोई बीमारी आती नहीं, एक समस्या ये है कि इसमें थोड़ा गैस बन जाती है, जैसे कि अब जब बारिश का मौसम होता है ना, बारिश के बाद जब धूप पड़ती है तो इसमें उस वक्त गैस का थोड़ा दिक्कत ज़्यादा रहती है, अब इसलिए हमने जनरेटर इसमें अंजन रखा हुआ है। अच्छा जी। जैसे कि अब ज़्यादातर जो गैस बनती है ना वो सुबह 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक बनेगी लगभग, और जो शाम को है शाम को भी 4 बजे से, वो मतलब सूरज ढलने के टाइम ही बनेगी, मतलब दोपहर को या रात को उसमें गैस नहीं बनती लगभग, ठीक है, मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि रात को गैस बने। तो आपको समस्या का अब तक कोई समस्या आपने फेस की हो वो बताए, ताकि कोई किसान भाई अगर करना चाहे तो वो पहले समझ जाए कि ये समस्या है, इसके साथ इसको निजात पाना है इससे पहले ही। समस्या तो बस इसमें लगभग यही होती है कि गैस का पता नहीं लगता कब बन जाती है एकदम। अच्छा, जैसे कि अब आज धीरे धीरे मेरे तो नॉलेज स्टार्ट किया, कुछ नॉलेज नहीं थी, बस वही बात है अब कि जब करेंगे ना तभी थोड़ी नॉलेज होती है, तो समस्या तो लगभग इसमें गैस की होती है लगभग। अब जैसे कि मैं जब शुरू में जब हमको पता नहीं था इतना, तो कोई बोल रहा है कि इसमें यूरिया गिर दो, खाद होता है जो सा, उससे फ़र्क पड़ जाता, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो मतलब इतना खास काम नहीं करता, वो नहीं है। जैसे कि अब एक इसकी दवाई आती है एक गैस की, उसमें थोड़ी सी होती है, उसकी बटियाँ गिरनी पड़ती हैं, जैसे गैस हुई वो जो फीसरी डिपार्टमेंट होता है वहाँ से आसानी से मिल जाती है, या बाजार से भी मिल जाती है, वो बट्टियाँ गिरनी पड़ती हैं इसमें गैस की, वो से गैस वगैरह नहीं पड़ती, मतलब जो 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो फर्क पा देता है गैस में। बाकी अब अंजन रखा हुआ है, अब जैसे कि पता है कि थोड़ा नरमाई का मौसम है, जैसे कि मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा बनती है, तो मैं अंजन चला देता हूँ सुबह शाम को, तो इसमें गैस बनती नहीं है। जिस दिन का मैं अंजन लेके आया हूँ ये, तो मतलब इसमें चला देते हैं इसी का पानी मतलब इसमें रिसाइकल दोबारा होता है, रोटेशन होते रहती है, जिससे कारण ऑक्सीजन बन जाती है, अगर गैस बन रही हो तो टूट जाती है गैस, ऑक्सीजन बन जाती है, तो जब से मैं ये लेता हूँ तो चांस ही नहीं हुआ कि ये मतलब कोई समस्या खत्म हो चुकी है, मतलब ये है बात, लगभग गैस की होती है, बाकी तो कोई और होती नहीं इतनी बात। तो आपको जैसे अब ये लगा ले कि 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर आपने क्या एक्सपीरियंस आया, कुछ नुकसान है फ़ायदा है इस काम को करने के लिए, लास्ट सवाल बस यही है। देखिए जी भाई, पहली तो ये बात है, जिस भाई को जिसका दिल करता है कि मैं फीस का काम करूं खेत में, पहली बात तो अगर उसको नॉलेज नहीं है तो उसका पहला सी जो साल होता है ना उसको मुनाफा लगभग बस मतलब 10% लगा लो बस, जितना उसका प्रॉफिट 10% ही है, प्रॉफिट 10% लगा कर चलो आप जी, क्योंकि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसको बहुत टाइम लग जाता है। अब जैसे कि मेरे को लगभग बहुत अब एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे क्या करना होता है, क्या खिलाना होता है, शुरू में तो हमको यही नहीं पता था कि इसको मच्छी को मतलब फीड में दें क्या, ठीक है। अब जैसे कोई बोलता फीड लिया, अब जैसे कि वो फीड बहुत महंगी पड़ती है, मेरे तो कहता नहीं कोई भी जो छोटा जिसके पास एक एंकड़ या 2-3 एंकड़ में होगा वो उसको अफोर्ड कर सकता होगा, तो एक घर में ही अपने फीड घर में ही तैयार करें। हाँ लगभग।
तो मतलब पहले साल आपको जो आगे आपकी जो लागत है वो कंप्लीट होने के बाद सिर्फ 10% तक ही आपको जो है प्रॉफिट है, लेकिन अगला साल प्रॉफिट का है। अब जैसे कि कुछ ना, जैसे कि हमने इसमें 50,000 रुपये का 32,000 बच्चा घेरा था 100 ग्राम का जी, ठीक है, तो उसमें से अब ये नहीं है कि वो 32,000 बच्चा हमारा बचेगा, कुछ थोड़ा बहुत मुर जाए डैमेज भी होगा कुछ ना कुछ, लगभग जो होता है ना हमको चाहिए भी 15,000 बच्चा या 20,000 बच्चा बच जाता है, और हमारा तो अभी इसमें 20,000 बच्चा बच रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत गैस वगैरह से मर जाता है, बिल्कुल, ना बिल्कुल। वो गिनती में नहीं आता क्योंकि सारा तो होता नहीं ना तैयार। अगर 20,000 बच्चा बच गया मतलब बस ज़्यादा कर तो उसके भोजन के ऊपर है कि हम तो कितना भोजन देंगे। किसान भाइयों, राहुल राणा ने बताया कि पहले साल आपको क्या क्या मछली पालन के अंदर क्या क्या समस्या आने वाली है और उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट है और आने वाले सालों में आपको इसके अंदर क्या बचत होगी, क्या नुकसान होगा।